हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इश्यूज जिसकी वजह से आपकी साइट की रैंकिंग, एसईओ, सारा सब कुछ इंपैक्ट करता है। और बेसिकली ये तब प्रॉब्लम्स आती है जब आपकी साइट को आप एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, उसका यूआरएल चेंज करते हैं, तो उस केसेस के अंदर आप जो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं उस बैकलिंक्स का एडवांटेज भी आपको नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ पैरेलली जिसकी वजह से यूजर आपकी पुराने वाले लिंक पे क्लिक करता है और उसको वहां पे 404 का एरर आता है। बेसिकली पेज नॉट फाउंड कहे या 404 कहे या फिर बाकी सारे भी इश्यूज होते हैं जहां पर आपका पेज एग्जिस्ट करता है लेकिन आपने उस साइट का यूआरएल चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जब भी बंदा उसको क्लिक करता है तो आपकी साइट पे माइग्रेट नहीं हो पाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने उसका बैकलिंक्स बना के रखा है, आपने किसी साइट से उसका कोई रेफरल लिंक लेके रखा है और आपने बाद में जो पेज आपकी साइट पे पब्लिश किया हुआ था अगर उसका यूआरएल चेंज कर दिया तो डेफिनेटली जब भी बंदा उस पर क्लिक करेगा आपकी साइट पे नहीं आ पाएगा। और साथ ही साथ जो आपको लिंक ज्यूस मिलता है उस बैकलिंक्स की वजह से वो भी नहीं मिल पाता है क्योंकि वो लिंक कोई और थी और जो आपने चेंज कर दी वो कोई और है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, बेसिकली हाउ टू फिक्स 404 एरर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, जहां पर मैं आपको एक प्लगइन से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, तो अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते तो डेफिनेटली आपकी जितने भी इश्यूज इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया तो यही उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और इस ये जो है वो हम प्लगइन्स के थ्रू इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो गाइज ये सारी चीजें हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखने वाले हैं, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप स्क्रीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको चैनल पे आने वाले हर वीडियो की इंस्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। स्क्रीन पे आ चुके हैं और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिएगा। गाइज यहाँ पे मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम का एक माइनर सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आज ही बदले ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल चेंज परमालिंक। तो बेसिकली इसके अंदर अगर आपके पोस्ट का जो यूआरएल है, मान लीजिए कि उसका जो पुराना जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपका सबसे पहले वेबसाइट का नाम आता है, इसके बाद में अगर मान लेते आपने सेट कर रखा है 2018 देन मंथ का नाम, इसके बाद में ऐसा कुछ आता है, तो मैंने आपको वहाँ पे गाइडलाइन दी थी कि इसको आप किस तरीके से एक SEO फ्रेंडली परमालिंक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपके जो पुराने और प्रीवियस लिंक्स है उस पर जब भी कोई क्लिक करता है तो उसको वहाँ पे 404 का एरर आता है। और जब भी 404 एरर आता है तो डेफिनेटली क्या होता है, उससे उसके डिसएडवांटेजेस जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले आपको लिंक ज्यूस मिलना बंद हो जाता है और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी साइट से जो भी बैकलिंक्स से आपको बेनिफिट होने वाला था वो भी नहीं होगा, जो यूज़र आपके क्रिएटेड बैकलिंक्स पे क्लिक करके आपकी साइट पे आने वाला था वो भी नहीं आएगा और ना ही गूगल का क्राउलर उस पर क्लिक करके आ सकेगा। सो बेसिकली ये जो इश्यूज होते हैं इनको 404 एरर कहा जाता है, 404 एरर। बेसिकली जैसे ही उस पर आप क्लिक करते तो वहाँ पे 404 की एक एरर डिस्प्ले होती है। जैसा कि अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ पे 123 टाइप करके इसको क्लिक करता हूँ, मान लीजिए कि ये मेरी पुरानी लिंक थी जबकि नई लिंक है cryptocurrency.html, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो ये चेक करता है अगर ऐसा कोई पेज अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली उसको डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं होता है तो उस केस के अंदर वो वहाँ पे एरर पुश करेगा। जैसा कि एक ये वाली जो मेरी पेज की जो लिंक है, मान लीजिए कि मैं कोई ऐसी लिंक क्रिएट करता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो किस लिए, क्योंकि आपने मान लीजिए पुरानी जो लिंक थी उसका यूआरएल ऑलरेडी चेंज कर चुके हो, मतलब कि पुराना लिंक अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ऐसा कोई केसेस होता है तो वहाँ पर आपको एरर्स आती हैं 404 की, पेज नॉट फाउंड की, तो उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है और वो प्लगइन किस तरीके से काम करेगा इस पर हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको ऐड प्लगइन्स के अंदर जाना है और यहाँ पे एक प्लगइन होता है रीडायरेक्ट, तो ये बहुत ही ईजी टू यूज़ प्लगइन है जहाँ पर सिंपल दो या तीन स्टेप्स के अंदर आप जाकर के इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी मोर डिटेल में जाता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से प्लगइन काम करता है, ताकि जब भी आप आपकी पेज का यूआरएल चेंज करेंगे तो आप उस यूआरएल के साथ में नई वाली यूआरएल को लिंक कर दें, जिससे कि आपकी पेज के 404 की एरर मिट जाते हैं। सो गाइज इसके अंदर क्या करना है आपको, बेसिकली ये जो रीडायरेक्ट का जो प्लगइन होता है आप यहाँ पे सिंपली रीडायरेक्ट को क्लिक कीजिए, रीडायरेक्शन का आपको यहाँ पे प्लगइन मिलेगा, उस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए। जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करते हैं आप प्लगइन्स के अंदर जाइए तो यहाँ पे जो प्लगइन की लिस्ट होती है उसमें अंदर आपको रीडायरेक्शन के नाम से प्लगइन ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, मैनेज ऑल योर 301 रीडायरेक्ट्स एंड मॉनिटर 404 एरर। जैसे ही आपको ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है,
एक नए टैब के अंदर आपको प्लगइन ओपन मिलेगा, आपको वहां पे जाना है और यहां पे एक बेसिक सा सेटिंग करना है, और वो सेटिंग आपके सारे पेज की 404 की एरर को खत्म कर देगा। सो गाइस यहां पे आप देख पा रहे हैं, बेसिकली मैं इसके होम पेज पे आ चुका हूं, जैसा कि आपको दिखेगा प्लगइन इस तरीके से। आपको सिंपली यहां पे 404 के अंदर जाना है और यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेगा कि किस तरीके से आपको उस पेजेस के यूआरएल को लिंक करना है। देखिए ये जो कुछ है ये पुराने डिफॉल्ट इस प्लगइन्स के थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट किए हुए हैं। सो आपको यहाँ पर जाना है इसके ग्रुप्स के ऑप्शन के अंदर या रीडायरेक्शन के अंदर, हम एक एक करके चेक करते हैं एक्जैक्टली किसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर हूँ रीडायरेक्शन के अंदर, ये वो यूआरएल है जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया, ये मेरा एक प्रीवियस यूआरएल था जिस पे मेरा पोस्ट लिखा हुआ था ट्रांसफर फ्रॉम कॉइनबेस टू bittrex.html। अगर आप मेरी साइट पे जाएंगे या फिर एक सेक्शन के अंदर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा जो यूआरएल था, पुराना जो यूआरएल था, वो आप देख पा रहे हैं इसके साथ में ईयर और मंथ जुड़ा हुआ था। इसको आप कैसे चेंज करते हैं इसको लेकर के मैंने प्रीवियस पे वीडियो बनाया हुआ है गाइस, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि ये वेबसाइट का जो होम पेज का यूआरएल था, इसके साथ में मैं पहले ही उसको ऐड कर देता हूँ, जैसा कि मैंने ये ऐड किया है। और जब भी कोई यूज़र इसको क्लिक करता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2018-12 है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये यूआरएल मैंने अभी हटा दिया है, मैंने एक नया पेज बनाया है और उस पेज के अंदर मैंने डेट ऑफ मंथ्स को हटा दिया गया है। तो ट्रांसफर फ्रॉम कॉइनबेस टू बिट्रेक्स, तो कैसा हुआ, ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने ये पुराने वाले यूआरएल पे क्लिक किया, मान लीजिए वापस मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने इस यूआरएल पे क्लिक किया तो ये यूआरएल ऑटोमेटिकली नए वाले यूआरएल पे मूव हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे अभी यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, आप देख पा रहे हैं ईयर और मंथ हट गया और अभी भी पेज हमारा एलिजिबल है, मतलब कि मेरा पुराना लिंक अगर कहीं मैंने बैकलिंक बनाया होगा, बंदा उस पर क्लिक भी करेगा तो मेरे नए पेज की यूआरएल पे वो मूव हो जाएगा। तो ये सारा सेटअप आपका कर लेता है ये वाला प्लगइन रीडायरेक्शन, इसको डेफिनेटली इंस्टॉल कीजिए अगर आप आपके पेज के यूआरएल को चेंज करते हैं या फिर जो पुराने जो वेबसाइट्स के कोई भी अगर पेजेस को अपडेट करते हैं उसका पेज यूआरएल चेंज करते हैं, तो आप इस प्लगइन को यूज़ कीजिए। यूज़ कैसे करना है, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं प्लगइन्स के अंदर, तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आता है और यहाँ पे सोर्स यूआरएल आता है। तो सोर्स यूआरएल में कैसे मैं डाल सकता हूँ, मान लो कि आपकी ये पुरानी लिंक जो है, और मैं बात करता हूँ मेरी, मान लीजिए कि पुरानी लिंक है, तो जो भी है आप एज इट इज़ कॉपी कीजिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैं इस www. और ये मेरी पुरानी लिंक है, और इस पुरानी लिंक को मैं नई लिंक पे मूव करना चाहता हूँ, और मेरी मान लीजिए कि ये मेरी नई लिंक है, तो मुझे इस तरीके से देना कि ये मेरा सोर्स रहेगा, मतलब कि मेरा पुराना लिंक, और ये मेरा टारगेट रहेगा, मतलब कि अगर यूज़र को ये लिंक भी मिलती है और उस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा, अगर यूज़र को ये लिंक भी मिलती है और उस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली साइड इसको इधर माइग्रेट कर देगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है रीडायरेक्शन, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है आपको। सो इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया है। क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे जो बल्क एक्शंस होते हैं इसके अंदर जा करके इसको इनेबल कर देना है और सिंपली अप्लाई कर देना है, तो क्या होगा कि आपका ये जो रीडायरेक्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। सो गाइज अब क्या होगा, जब भी यूज़र उस वाले लिंक को भी क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली नए वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने इसको ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिसेबल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, मेरे केस के अंदर मैंने इसको डिलीट किया हुआ है, और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो गाइज इस प्लगइन के हेल्प से आपके पेज पर जितने भी 404 की एरर आ रही हैं, अगर आपकी पुरानी जो यूआरएल उसको आपने चेंज किया है, या फिर दूसरी मैं बात कहूँ कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पेज है जिस पर बहुत सारा इनसेन ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को आप किसी नए पेज पर डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप इस प्लगइन को यूज़ कीजिए। सोर्स के अंदर वो पुराना वाला यूआरएल, टारगेट के अंदर नया वाला यूआरएल, तो आपके जितने भी पुराना ट्रैफिक उस यूआरएल पे आ रहा है वो सारा का सारा इस पे माइग्रेट हो जाएगा। सो गाइज इस प्लगइन का डेफिनेटली यूज़ कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मेरे SEO की बैंड बच चुकी हैं, बेसिकली उस केसेस के अंदर उनको प्रॉब्लम ये आ रही है, यूआरएल जैसे ही चेंज किया तो साइट पर ट्रैफिक आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से पेज को रीडायरेक्ट नहीं किया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रीडायरेक्शन करते हैं तो जो लिंक जूस होता है वो 80% पास होता है। मान लीजिए कि आपकी पुरानी साइट पे अगर 1000 ट्रैफिक आता होगा तो उसकी वजह से आपकी साइट की जो ऑथोरिटी मिल रही थी उसमें अराउंड 80% के या 90% की ऑथोरिटी आपकी साइट पर ट्रांसफर होती है, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप डेफिनेटली इसके थ्रू आपके पेज की SEO रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज अगला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको बेस्ट टिप्स देने वाला हूं, वो 5 चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए अगर आप ब्लॉगर हो, कि किस तरीके से आपके पोस्ट को रैंक करवाना है,
कौन से SEO के मेथड 2019-20 के अंदर काम करते हैं और काम करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।